तीन दिन बाद रनिंग के लिए आ रही थी क्योंकि कोर्ट गार्ड में लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दिया था। तो अभी हमने कर लिया है रनिंग, और रनिंग करने के बाद हम बैठ रखे हैं और एक्सरसाइज भी कर लिया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज जो है मैं आपको बॉल थ्रो की प्रैक्टिस करना बताऊंगी कि कैसे आप बॉल थ्रो की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 6 दिन रह गए हैं कुल। आज 25 तारीख है और आपको पता है कि 1 तारीख से हम लोगों के फिजिकल शुरू होंगे ही होंगे। तो अब मैं आपको बॉल थ्रो की प्रैक्टिस के लिए बताऊंगी। लड़कियां रनिंग निकाल भी लेगी, पर बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें नंबर कटते हैं। पुलिस में भी लड़कियों के ज्यादातर नंबर बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप में ही कटे थे। तो आइए हम करते हैं बॉल थ्रो की प्रैक्टिस। इधर से आ रहे हैं धूप, इसलिए मेरी आंखें खुल नहीं रही है और पैरों में हो रहा है दर्द क्योंकि मैं काफी टाइम बाद दौड़ी हूँ, तो रनिंग भी नहीं हो रही है और टाइमिंग भी मतलब सही नहीं आ रहा है। तो पता नहीं कैसे होगा, 5 दिन का टाइम है, अगर धूप रहा तो उसे मैं कवर कर लूंगी। तो आइए चलते हैं हम पहले बॉल थ्रो करने और फिर मैं घास लेने जाऊंगी, इस वजह से मैं आज 2 बजे ही आ गई थी रनिंग करने के लिए। तो आइए चलते हैं पहले बॉल थ्रो करने। सकते हैं ये है बॉल और इसी से होती है हमारी बॉल थ्रो। पुलिस में भी आपको पता है इसी से हुई थी और होम गार्ड में भी इसी से होने वाली है। तो ये बॉल मेरी जब मैं पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रही थी तभी की है, और ये आप देख सकते हैं फट भी गई है। तो मैंने इसे संभाल के रखा हुआ था, तो ये बारिश में 3 दिन से गीली होती थी, काफी भारी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए सही रहती है। तो आप यही बॉल यूज कीजिए, और अगर आपके घर पे रबड़ की बॉल है तो रबड़ की बॉल भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। घर पे दीवार पे मारते रहिए और उसे हाथ में पकड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगी आपके हाथों की ग्रिप प्लस ये मसल्स खुल जाएंगे आपकी बॉल थ्रो करते टाइम। तो बॉल थ्रो मेरी ठीक चली जाती है, रनिंग भी ठीक हो जाती है, बट लॉन्ग जम्प में तो अभी काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है तो उसमें थोड़ा वो हो रहा है, मतलब हो नहीं रही है। तो आइए पहले हम करते हैं बॉल थ्रो। ग्रिप तो मैंने आपको बताई थी कि ग्रिप ने आपने ऐसे पकड़ना है, इन दो धागों के बीच में पकड़ना है, क्योंकि ये भी मुझे किसी सर ने बताया था, मतलब पुलिस वाले सर हमें पहले सिखाते थे तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि इन दो धागों के बीच में क्या है हमने बॉल पकड़ना है। और बॉल पकड़ने के बाद कोई कोई तो यूं करके पुश करता है, कोई यूं करके, तो मैं ऐसे ही झटके से फेंकती हूँ। तो आइए मैं दिखाती हूँ। तो बॉल ऐसे में मेरी अच्छी चल जाती है, फेंकने का तरीका होता है। तो आइए देखते हैं। अब हमने कर ली है रनिंग और अब जा रहे हैं हम घर। तो घर के सामने करेंगे हम लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे गड्ढा नहीं हो रखा है इस वजह से। तो अभी हम घर जा रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद आई तो बॉल थ्रो भी ढंग से नहीं जा रही है, मतलब बहुत कम जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने गड्ढा को मतलब कर दिया है और वहाँ से कूदना है। ये डंडी है यहाँ पे 8 फीट 10 और वो सामने 12। तो ये मेरे भाई ने खोदा, तो ये देख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर मेरे साथ वाले अंकल जी बहुत 2 किलोमीटर में चले गए थे, तो मुझे एक भैया मिले, तो मैंने उनसे लिफ्ट लिया क्योंकि मैं रनिंग करके आ गई थी, तो मैं रनिंग करके भी नहीं जा सकती थी, और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो हाथी बाघ नीचे आने लग जाते, तो इसलिए मुझे लिफ्ट लेकर जाना पड़ा, घास भी तो लाना था। फाइनली अब हम जंगल आ चुके हैं। रनिंग तो आपने देख लिया होगा, मैंने रनिंग भी कर ली, बॉल थ्रो भी कर लिया है। तो अब मैं आ रही हूँ जंगल घास काटने के लिए। तो अभी घास काटने के लिए जा रहे और जंगल में आ रखा है हाथी। तो हाथी आज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कल तो हमको हाथी मिल रखा था, अगर मिलेगा तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं जंगल, यहाँ तक तो मैं लिफ्ट लेके आई एक अंकल जी से, तो आगे का सफर मैं अंकल जी लोगों के साथ तय करूंगी। तो ये है प्रधान अंकल, वो है बिजली वाले अंकल, और आगे जा रहे हैं अनूप भैया। तो आइए चलते हैं। इसे जा रही हूँ मैं ऊपर घास काटने के लिए, और यहाँ पे कल थे गजराज जी, और इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, गोबर उनका और पूरा यहाँ तहस नहस कर दिया है, बस मुझे जंगल में मिले नहीं। और इधर भी पूरा उन्होंने तहस नहस कर रखा, दिखाती हूँ आपको, मिल गए तो बस हो गया। एकड़ हाथी है वैसे भी यहाँ पे, सुन रहे होंगे कहीं, वो तो चुप सुम होके खड़े हो जाते हैं वैसे भी। तो देखिए क्या कर रखा है, यहीं रहते हैं वो रात के टाइम, तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पे सारे कूच दिए हैं उन्होंने। तो अभी यहीं काटने, इससे ऊपर जंगल में काटूंगी घास, बस मुझे मिले ना वो, नहीं तो भागने का भी नहीं है इधर रास्ता। तो आइए चलते हैं।
घास काटते काटते चूहे मिले, देखिए अंदर हो रखे जो कि बांस के चूहे, तो मैं इसे तोड़ रही हूँ, बस जहरी जहरीले नहीं होने चाहिए, तो ये खाने के बाद पता चलेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। तो अभी आधे मैंने तोड़ के जेब में डाल दिए हैं। ये बहुत मुश्किलों से मिलता है, वैसे जंगल में मिलता नहीं है, तो ये होता है जंगल के चूहे, तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये आज मेरी मम्मी बनाएगी, तो देखते हैं कैसा होता है। सकते हैं हमारा घास भी हो चुका है और हम जा रहे हैं घर। ये गट्ठा मेरा सर पे, तो ये पूरी वीडियो बन नहीं पा रही है, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो अभी मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है, तो अभी हम पियेंगे धार का पानी, तो वो भी दिखाऊंगी। पहाड़ों में जंगलों के रास्ते और पेड़ों का पानी रिस रिस के जो नीचे आता है वो दिखाऊंगी आपको, और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में उसका टेस्ट। तो आइए चलते हैं, अंकल जी हैं मेरे साथ में। तो मैंने अभी घास काट लिया है क्योंकि मैं रोड के किनारे किनारे ही काटती हूँ, और जंगल के अंदर तो हाथी उती घूम रहे हैं ना आजकल, बहुत आतंक कर रखा है उन लोगों ने। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुलिंडा की रोड भी एकदम हो रही है, टूट गई है यहाँ पे, और ये पूरा पुस्ता ना नीचे गिर गया। आगे से दिखाऊंगी आपको, यहाँ से दिखेगा नहीं, और यहाँ से दिख रहा है आपको, देखिए पूरा कोटद्वार। आते टाइम मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि मैं आज खुद एक लिफ्ट लेके आ रही थी एक अंकल जी से, क्योंकि अंकल लोग छूट गए थे तब। तो ये देखिए सामने की पहाड़ी पूरी नीचे की सगरी है ये सामने, और इससे भी ये देखो पूरा पहाड़ नीचे, पहले ना यहाँ मतलब जंगल ही जंगल था, और पूरा पेड़ नीचे लेके चले गए। तो आगे कुछ ज्यादा ऐसा हो रखा है। तो अभी दुगड्डा की भी रोड बंद हो रही है, तो सारे के सारे पुलिंडा होते हुए इधर की तरफ आ रहे हैं, और ये देखिए कैसा हो रखा है। कभी मैं यहाँ घास लेने के लिए जाती थी और ये पूरा नदी में चला गया है, वो नीचे नदी और ये पूरा ही नीचे चला गया, और थोड़ा नीचे में गई तो मैं नीचे चल जाऊंगी, ऐसी हो रही है आगे भी। तो आगे भी हो रखा है, और आगे निकलता है ऊपर से मतलब पानी आता है, पहाड़ों का पानी आपको पता है, बरसात का पानी, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे आता है हमारा पानी, हाँ ये रहा देखिए, तो यहाँ लगा रखा है सागुन का पत्ता, तो यहाँ पे हम पीने वाले हैं पानी, ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से पेड़ों का, और बरसात के टाइम में आपको पता है पहाड़ों में धार, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं अंकल जी जा चुके हैं पानी पीने, और ये पानी बहुत ही अच्छा होता है, टेस्ट में मीठा मीठा पानी होता है। तो ऊपर पहाड़ों से आ रहा है ये, बरसात के टाइम में कुंड में इकट्ठा हो जाता है, और पेड़ों की जड़ों से आता है ये। तो अंकल जी पी रहे हैं अभी, और तब मेरा नंबर आएगा। तुम भी प्याज, तुम्हारे फोटो आए लेने, तुम भी प्याज जा, पानी साफ पानी नहीं इनको, अब यहाँ सभी बोल हाथ पूंज के हाथ साफ करें इनकी दिखा। तो सबका नंबर लग रखा है, अब जा रही है ये हमारी दीदी पानी पीने के लिए। तो देख सकते हैं तो यहाँ पे जा रहे हैं हमारे अंकल जी पीने, ये अंकल जी मेरे साथ ऊपर जाते हैं इन लोगों के सहारे मैं जाती हूँ ऊपर, क्योंकि हाथी जंगल में बाघ वूघ घूमते रहते हैं वैसे भी, तो ये लोग रुके रहते हैं बेचारे मेरे साथ जब मैं घास काटती हूँ। तो अब चलेंगे हम घर की तरफ। मैं जंगल से लाई बांस वाले चूम, तो जेब में भर के लाई क्योंकि पन्नी नहीं लेके गई थी मैं आज, तो ऐसा होता है कुछ चूम नीचे दिखा ले लाटी। Thank you.